SAXOFT, SAXOFT, और ये स्टॉक मैं काफी निचले लेवल से रेकमेंड करते हुए आ रहा हूँ, और अभी भी मुझे बहुत कन्विक्शन आता है ये स्टॉक बहुत बढ़िया करेगा, क्योंकि इसके रिजल्ट्स में गजब का इंप्रूवमेंट है। इंप्रूवमेंट क्या मतलब, हर क्वार्टर पे और बेहतरीन किए जा रहा है। और देखिए, फिनटेक की बातें खूब हो रही है, इवन हमारे रेगुलेटर्स भी फिनटेक के ऊपर काफी रेगुलेशंस ला रहे हैं, तो इंडिया की वजह है, बट इनका जो काम है वो ज्यादा यूएस में, यूएस की जो मिड टीयर कंपनीज है उनको बहुत अच्छे से कैटर करती है, और वैसे 14 स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे कंपनी अपना काम करती है और 1250 से ज्यादा एम्प्लॉयज है, 1999 से कार्यरत है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पार्टनर है, IoT, क्लाउड, बिजनेस इंटेलिजेंस ये सर्विसेज देती है, तो मुझे काफी ग्रोथ दिखती है इस पूरे सेक्टर में, और कंपनी इनऑर्गेनिक ग्रोथ पे भी पूरी फोकस रहती है, मतलब काफी सारे स्टार्टअप्स को कंपनी ने एक्वायर किया है, तो मुझे लगता है कि जो ग्रोथ और जो फंडामेंटल्स है, अब उनकी अगर एक बात करें तो आप ये देखिए कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत बढ़िया, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत बढ़िया, और इन कंपनियों में ये भी डर खत्म हो जाता है कि जीरो डेट कंपनी है, आईटी स्टॉक्स वैसे थोड़े डेट्स खाली 14 करोड़ का है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, और वैल्यूएशंस भी बहुत महंगे नहीं है, 19-20 के पी मल्टीपल भी स्टॉक काम कर रहा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 24%, और मैं देख रहा था ग्रोथ, प्रॉफिट की ग्रोथ की जो कैगर है पिछले 3 साल की 28% की है, और ऊपर के लेवल से थोड़ा स्टॉक अभी करेक्टेड है, तो मुझे इसलिए और बढ़िया लग रहा है, और आज भी पहले तो रेड में ही था बट अब रेकमेंड करते करते ऊपर गया है, तो मुझे लगता है कि स्टॉक को अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट्स, मतलब लास्ट क्वार्टर में दिया था जून में, सितंबर में भी बहुत बढ़िया है पिछले सितंबर के मुकाबले, एंड पूरे TTM बेसिस पे इट इज एट वन ऑफ द बेस्ट दिस थिंग इयर्स, तो इन लेवल्स पे स्टॉक को लिया जाए, और 1200 का थोड़ा मैं बड़ा टारगेट दे रहा हूँ।